नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोकुन स्मार्ट क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है, हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और परीक्षा की दृष्टि से इससे काफ़ी प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे और आप हमारे संविधान सीरीज का हिस्सा बने रहें। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे, देन हम इसके मुख्य प्रावधानों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रावधानों को इसमें रखा गया है, फिर हम इसकी आलोचना या कमियों को देखेंगे और उसके बाद हम इसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए चलो पृष्ठभूमि स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी के समय आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसी में एक स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई जिसमें 12 सदस्य शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है इंदिरा गांधी के समय आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल की घोषणा हुई थी उसकी समीक्षा के लिए एक स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इसके आधार पर संविधान में 59 प्रावधानों में परिवर्तन किया गया था जो कि अब तक का सर्वाधिक परिवर्तन था। इसी कारण इसे लघु संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संशोधन अधिनियम को क्यों कहा जाता है, तो इसका यही कारण है कि सर्वाधिक परिवर्तन 59 प्रावधानों में जो परिवर्तन हुआ वह इसी अधिनियम के तहत किया गया था। इस कारण इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। अब हम इसके कुछ प्रमुख प्रावधानों या लक्षणों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रावधान है प्रस्तावना को संशोधित किया गया तथा उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को सम्मिलित किया गया। यह बिंदु परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रस्तावना में संशोधन को कई बार पूछा गया है कि किन शब्दों में इसमें परिवर्तन किया गया है, कौन से शब्द इसमें जोड़े गए हैं। तो तीन शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को इसमें जोड़ा गया है। दूसरा बिंदु है संविधान के भाग 4A में तथा अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे 10 मूल कर्तव्य हैं वह मूल संविधान में न होकर के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़े गए हैं। तीसरा बिंदु है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। पहले राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया था, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से अब उसे सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। चौथा बिंदु है समस्त नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। कुछ नए निदेशक तत्व जोड़े गए हैं जिसमें पहला है अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि पहले केवल अनुच्छेद 39 ही होता था, उसके बाद इसमें 39 कर जोड़ा गया है जिसमें समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता दी गई है। दूसरा है अनुच्छेद च जोड़ा गया है बालकों की शोषण से सुरक्षा के लिए। तीसरा अनुच्छेद 43 कर जोड़ा गया है जो कि कर्मकारों को उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी के लिए है। और चौथा इसमें जोड़ा है अनुच्छेद 48 कर जिसमें राज्यों को पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का बिंदु जोड़ा गया है। ये कुछ प्रमुख अनुच्छेद है जिनको संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। पांचवा जो इसमें प्रावधान किया गया वह था लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। हालांकि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसे फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम में एक परिवर्तन यह किया गया था। छठा बिंदु है संसद की गणपूर्ति कोरम की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। पहले संसद की बैठक के लिए कुछ मिनिमम सदस्यों का होना जरूरी था, किंतु अब यह अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। सातवां बिंदु है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा उसके किसी भी भाग में की जा सकती है। पहले राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता था तो पूरे देश में लगता था, किंतु 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से अब यह संपूर्ण देश अथवा देश के किसी भाग में भी लगाया जा सकता है। आठवां प्रावधान जो रहा इसमें, इसके माध्यम से अनुच्छेद 368(4) तथा 5 जोड़ा गया
तथा संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। नवा जो प्रावधान था, न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती की गई तथा न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित किया गया, यानी कि न्यायपालिका की जो सर्वोत्तम शक्तियाँ थी उनकी न्यायपालिका की शक्ति में जो वृद्धि हो रही थी उसे सीमित किया गया, उसे कंट्रोल करके न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित कर दिया गया। दसवां प्रावधान हुआ प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की गई और इसी के साथ राज्य सूची के कुछ विषय समवर्ती सूची में डाल दिए गए। तो ये कुछ प्रावधान थे जो 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी बिंदुओं को हमें अच्छे से याद कर लेना है। तो आइए हम इसकी आलोचना या कमियों को देख लेते हैं, जिसमें पहली कमी है संविधान के स्थान पर संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। जी हाँ दोस्तों, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। दूसरा है न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती की गई, न्यायपालिका की जो असीमित शक्ति में वृद्धि हो रही थी उसमें भी कटौती की गई। तो ये दो कमियां हैं जो कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के मुताबिक हमें याद रखनी है। अब हम इसके महत्व को देखेंगे, जिसमें पहला बिंदु है इसके माध्यम से पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया। संविधान में पहले पंथ निरपेक्षता नाम का शब्द नहीं था, किंतु प्रस्तावना में फिर से पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया, जिसके अनुसार भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा और उसकी दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। दूसरा है मूल कर्तव्य जोड़े गए। पहले संविधान में मूल कर्तव्य को कोई नाम नहीं था, किंतु 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की गई। और चौथा है अखंडता पर बल दिया गया। तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कुछ प्रमुख प्रावधान जोड़े गए हैं जो कि हमारे संविधान को और हमारे देश को मजबूत बनाते हैं। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 42वें संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। तो हमने अभी जितने भी प्रमुख बिंदु पढ़े थे उन सबको हमें इसके तहत याद कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपके मत में 42वें संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाना उचित है, स्पष्ट कीजिए। तो हमें लघु संविधान क्यों कहा जाता है इसके बारे में इसमें अच्छे से बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संसद के द्वारा अपनी सर्वोच्चता तथा न्यायालय की शक्तियों पर प्रहार किया गया, क्या आप उपयुक्त कथन से सहमत हैं। तो इसमें हमें न्यायालय में जो अधिकारों में कटौती की गई और संसद की सर्वोच्चता को बताया गया, इन दोनों को अच्छे से लिख देना है। तो इस तरह से हमने देखा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और संविधान की दृष्टि से इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी संविधान सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लीज़ वीडियो चेकआउट कर लें ताकि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आ सके। और जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।